अंबिकापुर शहर के केदारपुर स्थित संचालित हो रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र, जहां पे लोगों को इलाज के नाम पे उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे एक मामला आया है जहां एक युवक को नशे की लत छुड़ाने के नाम पर संस्था के कर्मचारियों ने उसके साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान देखे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अनूपपुर निवासी एक युवक को उसके परिजनों ने अंबिकापुर के केदारपुर स्थित एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के नाम पर भर्ती कराया था, जहां परिजनों का कहना है कि इसके एवज में उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में फीस के तौर पर 30,000 रुपए नगद जमा किए थे। इधर परिजनों को उम्मीद था कि युवक को स्वास्थ्य अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 6 महीने के भीतर युवक को नशा की लत से निजात भी मिलेगा। लेकिन इसी बीच अचानक परिजनों को सूचना मिलने लगी कि नशा मुक्ति केंद्र में पदस्थ कर्मचारी युवक की बेरहमी से पिटाई करते हैं। सूचना मिलने पर जब परिजन अंबिकापुर पहुंचे तो जानकारी सही पाई गई। इस बात परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र में जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों का आरोप है कि नशा छुड़ाने के नाम पर एक तरफ जहां निजी नशा मुक्ति केंद्र के संचालक युवक को रोस्टर अनुसार भोजन भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वहीं बेवजह नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवकों की पिटाई भी प्रबंधन के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। इधर नशा मुक्ति केंद्र में हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं युवक के परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि इस घटना के सामने आने के बाद परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उधर कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मोबाइल से सूचना मिली थी कि नशा मुक्ति केंद्र में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, जिस पर थाना से पुलिस बल भेजकर मौके की जांच की जा रही है। जहां मौके से परिजन चले गए हैं, किंतु अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच होगी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।